ये कुपली बहादुरी पहला राज ये ये है गायकवाड़। पहला राज इसका था, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, वो गए तो कांग्रेस आई। तेने मांगला ये नहीं राज क्या ब्रिटिश ने, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार यो मांग तेने सेला आता ना अन्य तो ज्ञान मांगून कांग्रेस आना। अंधकार धुमकार मोदी धुम धुम कर मोदी धना झील कर। पहले अंधेरा था, पानी था, होता था, धुन, था ना तो पानी हन कुछ नहीं था। राम नहीं ना, राम सीता, फिर राम आए, राम और सीता ने धरती पर बीज बोए, उन्हीं से पेड़ पर्वत जंगल बने। फिरनी करी जंगल अपने झाड़ी जंगल वाल तो ठुंते झाड़ हुई ना, पहाड़ पर्वत डोंगरा डोंगर हुई है। पहला भील राजा राम भील नाता राम निंग्यत ये वन मासुंत भीला सोपी गयत युराष्ट्र। पहला राजा राम था, राम भील, राम राजे मांडिश जाते हुए उसने जंगल भीलों को सौंपा, तब से ये भीलों का देश है। तो महाराष्ट्र की सीमा पर है। यहाँ के घने जंगलों में कई आदिवासी समूह खास तौर से भील रहते चले आए हैं। आता जंगल में जावला भाई कहीं उपयोग नहीं है। हाँ। जंगल जाने से क्या फायदा, हम बिना कुल्हाड़ी के जाएं तो वो हमें तकलीफ देते हैं। वो अगर कुल्हाड़ी न धाऊं पर तकलीफ देता है माला तेलु ईशा ईशा तेरे तकलीफ देता है माला। जंगल पहला उपयोगी होता पर आता उपयोगी नहीं। जंगल में तो दरेक वस्तु लेवलासाठी जंगल शिवाय आदिवासी लोक ना जीवन ज नहीं। जंगल पर हमारा जीवन निर्भर है, जंगल तो जाना ही पड़ता है, ये आदिवासियों का हक है। सरकार जंगल लेती है, हमें कोई फायदा नहीं होता है, तब फायदा किसे होता है? तो ये ना फायदा कौन खा, जंगल खाता रहा। जंगल वाले कहते हैं आज चीज आपले जंगल ये लोग बंद कोला पड़े। सरकार ना जंगल आयो कापूला बंद, हम कुछ नहीं काट सकते, वो जेल में डाल देंगे। जे भगवान भगवान ने बनवास लिया था सो हम भी बनवास ले रहे हैं। जंगल में कुछ नहीं है, चोर खा गए। चोर खा गया ये जंगल पूरी खाता, जंगल में तो कहीं नहीं है। जंगल को नेचर, जंगल को नेचर सबिला, जंगल को नेचर सरकार लोकाश, सरकार लोकाशर सबिला, सरकार लोकाश। सागौन के घने जंगलों को हथियाने के लिए अंग्रेजों ने 19वीं सदी के शुरू में यहाँ कई हमले किए पर वो नाकामयाब रहे। 1842 में उन्होंने भील राजाओं से बहुत सस्ते दामों पर जंगल के बड़े बड़े हिस्से खरीद कर उन्हें पट्टे पर देना शुरू किया। देखिए
इसमें पहला लेगा अमेरिका ने ब्रिटिश बुरा लोग काम संगन केला अंग्रेज अमेरिका से आए गोरे लोगों ने एक ढेर मिट्टी का बनाया एक लकड़ी का एक पत्थर का एक ढेर पैसे का और राजा से कहा इनमें से एक चुन लो राजा ने पैसे का ढेर चुना फिर अंग्रेज का राज हो गया यहाँ पोता बने राजा सरकार कना लेता है तो पैसा ही चाहते मंगे तो ठून सीते नहीं मानी पैसा नहीं सरकार ने ब्रिटिश ने चालू हुई नहीं देखा हमें पर है पूरा जंगल ले लिया सरकार ले लेना राजा सिंह सरकारी अबान होते वो कतला राजा अनपढ़ था हम भी अनपढ़ का कहीं नहीं लोग जाओ थोड़ा कपले चावी दाखो जन कम जो यक यक भाई ओहला न गोहला ओहला न यक यक लाखो पहले लकड़ी इतनी बड़ी होती थी वो सब ट्रक में भर कर ले गए तो जमाना जाने सारा घर भर गया हमने तो सूखी लकड़ी ही सूखा ये झाड़ दी दे हम ठगे गए उन्होंने कागज पे कुछ लिखा और जंगल ले लिया हमें पढ़ना आता नहीं था ऐसा करता जंगल नुकसानी झाली जंगल पूरा नष्ट हो गया जंगल ना नाश भंग ये जंगल अमेरिका ला गया ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों ने जंगल काटा उसे अमेरिका ले गए देश का सोना कमाया रुपए कमाए सब कृष्णा सोना ले गया अंग्रेजी राज गया तो आरक्षित और संरक्षित वन व्यवस्था आई नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों के पास आज खेती के लिए 30% से भी कम जमीन बची है पूर्वी जब ये डांग मदे खूब मोटा जंगल था अन लोक वस्ती कमी है थी डांग में बहुत जंगल था बस्ती कम थी जानवर चिड़िया मनुष्य सब साथ रहते थे लोग फल खाते खेती कम करते खेती ना प्रमाण वसा था अन फल फादी खूब लोग केवल जीवन रहा हाँ तो पासर्थी फल वस्तु टूटी गई कपाई जी गई फल वल सब खत्म हो गए खाने को कुछ नहीं रहा वस्ती जास्ती दुजाई ने हमारा जमीन तोकड़ी आनी आबादी बढ़ गई जमीन कम है घर में खाने को नहीं वस्ती जास्ती गई आता अपना स्वराज आना अपना राज आना अब स्वराज अपना राज जमीन पड़ी है सरकार खेती के लिए नहीं देती क्या जो सरकार जमीन खेडूला देनी सरकार नहीं सरकार दिल तो हम ही लोग खाओ जमीन सरकार की है वो देगी तो हम खाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे बांधत नहीं भाई सरकार कागजी खेल खेलती है कोई बड़ा बांध नहीं बनाती मोटा धरन का ही बंधा रही नहीं हमने ये था तो गांव आते हैं हमारी परेशानी पूछते हैं किसा कहा ये सोचता तेना बंगला हाथ तेना मोटरी हाथ उनके पास बंगले मोटा गाड़ी घोड़े हैं पर भीलों के लिए आज तक कुछ नहीं एक लंबी मुद्दत से जंगलों को काटते रहने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा था इसलिए 1986 में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी डांग जिले ने अंदर 29 जंगल मंडी चलत डांग में 29 जंगल मंडियां थी कुछ रोजी मिल जाती उनके बंद होने से रोजी एकदम छिन गई मंडी बंद हुई गई तामाला मंगो आइस बा संग न चला लोग मां बाप ने कहा परदेश चलते हैं अपने भी चला देश ला जाऊं तो सगरा लोग आमी जो गरीब गरीब लोग आमी सगरा जा जाऊं देश ला
एक एक घर ना भाई सब गरीब 8 महीने के लिए बाहर चले जाते 8 महीने रहूला तठो कर सेक्टर का हट था नया हां पर्यावरण नहीं जंगल न रहते हला वो कारखाने नहीं खोलते पर्यावरण की बात करते हैं लाइट जून महीना थी लाइट बंद है जून 15 थी जी माइग्रेशन हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट इफ यू लुक एट द ओवरऑल सबसे बड़ी समस्या विस्थापन है यहाँ प्रमुख रूप से जंगल है जिस कारण उद्योग नहीं लगाए गए उद्योगों के लिए जमीन नहीं एंड देयर इज हार्डली एनी लैंड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्री इस तरह एक तिहाई आबादी को रोजी रोटी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा काम नहीं मिलता तो कैसे करें खेती साल भर तो नहीं होती हाथी वाने का हुए लगे हैं हाथी वाने हुए दिन ही नहीं खेती पर इतना है ना मजूरी नहीं मिलते मजूरी नहीं मग लोग का ऐसा भूख मरते का लोग क्या भूख मरेंगे धंधा नहीं तमल जावला पोड़ा तंगो ना धंधा नहीं ना तो 12 महीना हुई जाते 12 महीनों में एक दिन रोजी नहीं 32,000 चीनी के मिल में मजूरी करने जाते हैं मजूरी ये जाते लोग संगता नहीं कहते हैं या नहीं कहीं और रहो तुम लोग गंदे हो गरीब आदिवासी ले होड़ा शोषण हुए हो बेरोजगारी से तो भ्रष्टाचार हुए हो बलात्कार हुए हो औरतों के साथ बलात्कार होता है कोई मर जाए तो सेठ ध्यान नहीं देता पूरे पूरे ध्यान नहीं दे 15 दिन में 30 रुपए से दो जनों का गुजारा नहीं होता नहीं पहुँचा जो रोजी का ही पड़ते 25 पैसा चारा नहीं रोज रोजी क्या मिलती है 25 पैसे अठारह बेटी ना चाहता कहीं नहीं ना इलांग में मजदूरी नहीं मिलती तीस भूखा रहूला भाई जंगल में जाऊला एक डांडा होड़ा छागना डांडा तोड़ूला तो जंगल खाता ना का रहता है नहीं सिपाही ते लोग हम दो दिन से भूखे थे सागौन की छोटी सी टहनी लाने गए तो जंगलात के सिपाहियों ने हमें बहुत पीटा चोरी करते हो डंडा से मारा रिजर्व फॉरेस्टर जे है ये जमीन आमने है शंकर इसने जंगलात का अफसर सोचता है जंगल उसका है यहाँ आदिवासी नहीं आने चाहिए 1991-92 में आंदोलन हुआ लोग गुस्से में थे वो बरसों से अन्याय से रहे आज भी लोग अत्याचार अन्याय सहन करते हैं मानुष ला हमारा पानी पेवला हक कहा पानी भोजन कपड़ा आदमी का हक है हमारी जरूरतें हमारा कानूनी हक है सरकार में यही लिखा है जरूर रहा ये सरकार ने कहा तो कायदा नहीं अंदर चोपड़ा में लिखे एक बाजू जंगल साफ हुई है दूसरी बाजू पहला साला पैसादार हुई था वो जंगल काटते हैं कमाई करते हैं हम तो झोपड़ी भी नहीं डाल सकते तब क्या करें जंगल है आमना हमारा है तुम्हारा नहीं बाहरी लोग चले हैं ते मजूरी में 8 महीना जो उनाड़ा में अमी करूं काई 8 महीने तक करते क्या लोग जंगल में खेती करने लगे कारण थी पासर थी लोग कहाँ ने जी थोड़ी कहाँ तो जमीन पड़तर हती थोड़ी किस जंगल नी जे जमीन हती ये मां थोड़ा कहाँ तक खेती कर ला साठी शुरुआत हुई खूब लोग जंगल में खेती करत ना कई लोग खेती कर रहे थे जंगलात वाले ट्रकों में आए जरा सुन रही थी ये क्या घोटाला है तारा बहन जे है जंगलात वालों ने तारा बहन को बीच रखते मार डाला भाग गए जंगल खाता नहीं मारी टाकी अने जंगल खाता आ तो कोई गया जंगल खाता ना बड़वे
વચ્ચે જ ગામની રસ્તામાં તારા બેન ની હત્યા કરી દીધી. ત્યારે રોષ હોય ને આદિવાસી બેન બંદૂક થી કે આદિવાસી ઔરત પર ગોલી ચલાવે વો બે કસૂર થી નિર્દોષ બેન. તારા બેન ના બદલા મે સંગઠન કરો, સંગઠન કરો. બસ માં બસ માંથી પકડાત, દુકાન માં દુકાન માંથી પકડાત, ઘર માંથી રાત્રે જઈને પકડાત. બસો દુકાનો ઘરો સે પકડા, જેલ મે બંધ કર દિયા. 181 લોગો પર મુકદમે હુએ. उन्होंने भयंकर अत्याचार किए, तब हमें लगा ये हिंसक आंदोलन था. जी आंदोलन के ती हिंसक आंदोलन था. हिंसा ती नहीं, ये सरकार साथ ही करो लग पड़ा. सरकार से लड़ने में हिंसा नहीं होनी चाहिए. सरकार से अहिंसा और धैर्य से बात करनी चाहिए. व्यवस्थित गोट करी हम ठीक से बात करें तो शायद कामयाब हो. सफलता मिलती. जिला पंचायत ने 1991-92 में संपूर्ण साक्षरता अभियान को अपनाया ताकि समाज में तनाव दूर हो सके. જબ સાક્ષરતા આઈ મેં ભણને લગી. મજૂરી કરતી થી તો પૈસે નહીં ગિન સકતી થી. દુકાન મેં લોગ ઠગતે મેં હિસાબ નહીં જાનતી થી. પ્રૌઢ શિક્ષણ ઝાલ્યા વર થોડી ફાર ફાર ફેપડ હતી ખરી કે સુશિક્ત અંધારામાં આસ્તાના ઉજાડા. પ્રૌઢ શિક્ષા કે બાદ ફરક આયા હે. હમ અંધેરે થી ઉજાડે મેં આયે. અબ દેખતે સમજતે હૈ. રીતે હમારે આતારે થોડો જાનતા શીખી ગયા થોડા. જોડના ઘટાના નહીં આતા થા. બસ મેં દો તીન જણો કો સાથ લેકે જાતી થી. પર આપ પ્રૌઢ શિક્ષા કે બાદ અકેલે સફર કરતી. જો ઠુની સા પ્રૌઢ શિક્ષણ માં જાતા તો ફોન અમાલા એક જનાલા તરી હિન્દી વાજે. શિક્ષણ એટલે એક બે ત્રણ જગ્યા અબકડ નહીં, બલકે એ હે કે શોષણ ઓર અન્યાય કા સામના કૈસે કરે. અત્યાચાર ની સામે આપણે કાઈ કરલા પાછ. પહેલા તો આડા નો હતા, આતા આતા તો શીખના ના. અબ મેં પઢ લિખ ગઈ હું, કિસી ભી બડે સાહેબ સે બાત કર સકતી હું. હિંમત આની આતા માલા. તમને પઢાણી બહાર કામ પે જાના પડતા હૈ, વહાં કોણ પઢાયેગા? તમે કોણ શિકુલા? આમાલા
ये मजूरी अर्थे रोजी के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चों को लेके जाते हैं, तो किसी ने पढ़ाई नहीं की, वही पढ़ पाए जिनकी हालत अच्छी थी। ते चांगले स्थिति चाहते लोग सीखले भन्ने लगनी लोग जानते हैं हम अनपढ़ हैं, समझते नहीं हैं, वो हमें ठगते हैं, दो के नोट को एक करके लेते हैं। एक नोट देला तेरा तेले और दो नोट ले उला ये लोग पास में मोटे लोग की शिक्षा मजली जागा दिखाता बेटा मजे कर। बड़े लोगों को ही शिक्षा मिली वो खाते पीते खुश रहते हैं, गरीबों का कोई नहीं। गरीब लोग कोई नहीं, ये डांग मुझे साक्षरता की चेतना लोक शैलियों के जरिए फैलाई गई ताकि लोगों की संस्कृति को भी मिटने से बचाया जा सके। लोगों के बाहर जाने से हमारी संस्कृति बदल गई, एक नई संस्कृति आ गई। नवे समझ चलो फैशन निशा पहले वो कहता काम लंगोटी नेशन फैशन ऐसा है कि पहले लोग लंगोटी पहनते थे, अब कांग्रेस है तो अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनते हैं। आता यो कांग्रेस निंग ना कांग्रेस पासो नियो कपड़ा बदला जी गेत और बायको ना कपड़ा बदला जी गेत ब्रिटिश ना कपड़ा वाइला होता तो ब्रिटिश नी वाइला फैशन होता। आपली की जुनी रूढ़ी पासून जी वाजिंद्र चालू हाथे साक्षरता से हमारी संस्कृति बच सकती है, इसमें लोगों को रुचि लेना चाहिए। नहीं ये आपली संस्कृति ना अपनी संस्कृति बचाना चाहिए। राखुला हम ठहरे अनपढ़ और डांग में रोजी खो रहे हैं। अरे हमने डांग में आया है। डांग में अभी एक नई बात हो गई है, दस्तखत करो तो रोजी पाओ। जंगल खाता में काम कर लो, जंगलात में दो दिन काम किया, मजूरी ली तो अंगूठा लगाया, वो बोले दस्तखत करो, हम कैसे करते, आता नहीं था, किसी को नहीं आता था। सही करूँ नहीं आवड़ो इतना जुआन सामा कुना लग नहीं पढ़ने लिखने से राक्षस पास नहीं आते। मैं तो पढ़ूंगा शिक्षा पाए जो कजनी पास शिक्षा पहा जा माला हमें शिक्षा चाहिए, नाम लिखना आ जाए बस। काम धंधा लजाऊला तो जरा कज एक नाव पुरत नहीं सही आवड़ो तरी बस जैसे जरा मजदूर काम कर। जहाँ जहाँ कारखानों में मजदूर हैं मालिकों को स्कूल खोलने का हुक्म है, तो लोग वो कहते हैं स्कूल खोल रहे हैं पर खोला नहीं। एक पोसी एक पोसा तेला शिक्षण पाजो। मेरी एक लड़की एक लड़का है उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है, पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं, कैसे पढ़ा तो कड़कुने भी नहीं घर हुला तो हमें और किसे करी शिक्षण ने इतना अटकवला लोगों का विस्थापन रोक सके तो कुछ साल में प्रौढ़शिक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। आज 35 वर्षानंतर पण आपल्याला प्रौढ़शिक्षण करावं लागतं ती गरज उभी झाली नसती। कुछ को पढ़ना लिखना आ गया कैसे पढ़ा है होगा क्या फायदा मिला नहीं। बेनो साला घर घर बोलूंगा तो बेनो ये सका। हम महिलाओं को बुलाने गए पर वो नहीं आई, नौकरी इससे होगा क्या, धीरे धीरे नौकरी तो मिलेगी नहीं पर धीरे धीरे वो आने लगी। मगर लिखूला लाजत शर्मा जत उन्हें कुछ लिखने या हमसे बात करने में भी संकोच था। बीजाने सामने बोलत भी नहीं। मोइनू बेन तीना नाव तो नहीं सांग पुता ने पति ने नाव सांग। मोइनू बेन अपने नाम से पहले पति का नाम बताती थी, धीरे धीरे वो सीख गई। मगर तीने पति नाव पूरा माँ खूब आबान होते हैं तो संगठन हुई ने ना तो आता माँ बेस हिम्मत माला है ना और माना ना मैनू और गाँव गिरा दफ्तर पूरा तमा काय करा कुनी ही अधिकारी ये कोई अधिकारी आता था तो मैं छुप जाती थी, अब गाड़ी की आवाज आती है तो दौड़ कर मिलने जाती हूँ, इतनी हिम्मत आ गई है। अर्जी करी ना हमने अर्जी दी कुआं खुद गया मशीनें आ गई हम कमा रहे हैं। मशीन मिलनी कमाई कर जो ना लोगों को अपने हकों का पता चला तो वो ज्यादा जागरूक हुए। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में काम तभी होता है जब सबसे निचले स्तर से जनता का दबाव हो, लेकिन मजदूरी तभी मिली जब हमने अर्जी दी।
અને અમે અરજી કરી તવ તો તી લોન મજૂર હોઈને चाहे जितना गाड़ी नहीं मिलती, कर्जा नहीं मिलता, देर बहुत लगती है। कलेक्टर बीडीओ अपने गांव बुलाया, कहा कि हम औरतों के पास काम नहीं है, हमारा महिला मंडल मजबूत था, कहा हमें पानी की लाइन चाहिए। सरकार ने कायदा ने अंदर हमारा मेल जो हो कहा ते लोग समझी गए અને તેથી લોક સાથે સંગઠિત હોયલા શરૂઆત હોઈ ગઈ। લોકો મેં અપને હકો કી સમાજ પેદા હોઈ, જાગૃતિ આઈ, ગામ મેં વો એકજુટ હો રહે હૈ, વો અપને અધિકાર માંગેંગે ઓર લેંગે, ઇસમેં કોઈ શક નહીં। અને લોક હક માંગતી અને લેતી લિસા કરી માલા ખાતરી હા। अभियान 2 साल तक चला। शिक्षण बंद झाला मजा आ गया तो विसरून जाओ तो शिक्षण चालू पाहिजे। शिक्षण रोक गया वर्ग का हम सब कुछ भूल गए। मुगान के आम्हाला जरा जास्त जारी रहना चाहिए। साक्षरता 2 साल तक साक्षरता जोर और शोर से चलती रही। धीरे धीरे ही प्रवृत्ति धीमी पड़ गई है। लोग सहमत हैं, लोग चाहते हैं प्रौढ़ शिक्षा फिर शुरू हो। प्रौढ़ शिक्षण फरी पन चालू हुला पाया दराज के गांव में लोगों को याद नहीं है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या चीज है। यहाँ तीज नहीं खबर थे लिखूला पाए जो मालक तो होते आए थे दिल्ली लागू की करता। मुझे लिखना चाहिए तभी वो सुनेंगे। मैं दिल्ली जाकर पूरी कहानी बताऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं धरती के आखिरी छोर तक जाऊंगा और अपनी कहानी कहूंगा।